नहीं है दोनों, और एक हाथ भी नहीं है। अब इनकी सहायता कौन करेगा, किस तरह से करेगा, कोई आपके बच्चे हैं? नहीं, तीन को बच्चा रोटी नहीं देता है। हाँ। नहीं कोई नहीं, एक गो बच्चा कर रखा है उसका, अपने छह गो पर बच्चा गरिया कुछ कट्ठे होने में दर्द जैसे तैसे कमा कर हजीरा खिलाता है, रखा हुआ है एक दो गो नहीं देता। माता जी क्या होता है कि आप देख रहे हैं, माता जी का सहयोग करना चाहिए और सहयोग भी हम करेंगे, कुछ ना कुछ इनको देख के क्या इस समय समझ में नहीं आ रहा है। माता जी बड़ा हम दूर से आए हैं, दूसरी चीज़ अब हमको नहीं पता था कि आप जैसे लोग, अच्छा विपिन यादव यहाँ के मुखिया है, मुखिया बात नहीं करता, कुछ न सुनवाई कुछ नहीं करते। अरे शर्म आना चाहिए विपिन यादव, शर्म आना चाहिए, दोनों पैर और एक हाथ नहीं, शर्म आना चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म से डूब मरो। देख रहे हो आज तक तुम नहीं के पेंशन बनवा पाए ना इनसे मिल पाए, और कहते हो कि मैं समाज सेवी हूँ, शर्म आइए तुझे। देख लो मैं, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए लेकिन ये सब देख के क्या बताऊं, 8-10 महीना से ना मिला, जाकर घूम रहा हूं। ऑनलाइन ना करा दिया ना, ऑनलाइन ना किया। विपिन जी आएगा, हां विपिन कुछ किए हैं कि ना? हां कुछ नहीं किए हैं। हां मिले हैं कि ना आपसे? नहीं मिले हैं। माता जी पेंशन मिलता है कि नहीं आपको? कोई महीना से नहीं आता, 8-10 महीना से नहीं आता। भैया देख लीजिए इनका हाथ पैर दोनों नहीं है, घूम रहा था नहीं आता है, पहले मिलता रहा नहीं मिलता। स्थिति देख सकते हैं, माताजी वृद्धा हैं, पेंशन मिलता नहीं है, और दोनों देख सकते हैं, ये दोनों पैर और दोनों हाथ इस तरह से आप देख सकते हैं नहीं है, बड़ा तकलीफ होता है कभी कभी इस तरह से। मैं समझता हूँ कि यार मैं ही ऐसा हूँ, लेकिन कभी कभी तकलीफ मुझे बहुत काफ़ी होता है कि ऐसे लोगों के बारे में कौन बताएगा, कौन सुनेगा। आइए पंचायत में बता दूँ, विपिन यादव, विपिन राय, विपिन मैथ मस्ती, विपिन क्या बताएं, क्या क्या बताएं, विपिन नटंकी बाज, ये है इनका मतलब गांव है, और उनके पंचायत में मैं बैठा हूँ, और पंचायत में बैठ के अब क्या बताएं। देख रहे हैं इनका दोनों पैर नहीं है और एक हाथ भी नहीं है, मैं समझा कि मतलब इसमें बैठी। अरे ठीक है ठीक है, इसमें बैठी। अरे कोई बात नहीं, बेसुरता हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए कितना प्यार है, मतलब इस तरह आप देख सकते हैं इनके बेचारी का दोनों पैर एक हाथ नहीं है। मैं समझता था कि मेरा ही हाथ नहीं है तो दुनिया में सारा क्या है कैसे है, लेकिन इनका आप देख सकते हैं। माता जी सड़िया थोड़ा सा हटाइए, आप देख सकते हैं पैर भी नहीं है दोनों, और एक हाथ भी नहीं है। अब इनकी सहायता कौन करेगा, किस तरह से करेगा, कोई आपके बच्चे हैं? नहीं, तीन को बच्चा रोटी नहीं देता है। हाँ। नहीं कोई नहीं, एक गो बच्चा कर रखा है उसका, अपने छह गो पर बच्चा गरिया कुछ कट्ठे होने में दर्द जैसे तैसे कमा कर हजीरा खिलाता है, रखा हुआ है एक दो गो नहीं देता। माता जी क्या होता है कि आप देख रहे हैं, माता जी का सहयोग करना चाहिए और सहयोग भी हम करेंगे, कुछ ना कुछ इनको देख के क्या इस समय समझ में नहीं आ रहा है। माता जी बड़ा हम दूर से आए हैं, दूसरी चीज़ अब हमको नहीं पता था कि आप जैसे लोग, अच्छा विपिन यादव यहाँ के मुखिया है, मुखिया बात नहीं करता, कुछ न सुनवाई कुछ नहीं करते। अरे शर्म आना चाहिए विपिन यादव, शर्म आना चाहिए, दोनों पैर और एक हाथ नहीं, शर्म आना चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म से डूब मरो। देख रहे हो आज तक तुम नहीं के पेंशन बनवा पाए ना इनसे मिल पाए, और कहते हो कि मैं समाज सेवी हूँ, शर्म आइए तुझे। देख लो मैं, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए लेकिन ये सब देख के क्या बताऊं, 8-10 महीना से ना मिला, जाकर घूम रहा हूं। ऑनलाइन ना करा दिया ना, ऑनलाइन ना करा दी तो ना आता पैसा, ऑनलाइन हम सब करा लिया, हमरा गोर है भरा लग जाए इतना दूर के, एक 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 दिन ना भेले नीक रोजो नीक, एक 100 रुपया लगा के ठेला पर जाए, ना दे छी ना दे छी, तू ऑनलाइन ना करा ली, हम सब ऑनलाइन करा दी है ताला। अब बताइए दिव्यांग भी है और वृद्धा भी है और इनको पेंशन तक नहीं मिलता है, घर कौन है आपका? आप देख सकते हैं इनको दिखाओ, ये झोपड़ी में रहने वाली, अब इनकी स्थिति क्या बताएं। लोग उम्मीद किए थे कि विपिन जैसे ही जीतेंगे, विपिन जैसे ही जीत कर आएंगे गांव में बाहर आ जाएगा, कहे कि ना राम प्रसाद मुखिया रहा तो ठीक रहा। अच्छा जीता तब से कुछ नहीं, कुछ नहीं करता नहीं, कुछ कहाँ किया, कुछ नहीं किया।
अब बताइए, मैं आया था, अब लगने वाला है कुछ नहीं, एक सत्र लगने वाला है। अब देख लीजिए, अगर मैं झूठा था ठीक है, मैं भी आया था, लेकिन सभी मीडिया वालों से मैं चाहूँगा, जो आप आके हीरो बनाए थे मैं भी उसमें था, लेकिन ऐसी परिस्थिति जब गांव में ग्रामीण अंचल में घूमता, उनके गांव में घुस के पता किया गया तो लगा कि यार दर्द कितना है, और विपिन यादव दर्द को नहीं समझ पाया, कैसे बताया जाए। पेंशन भी माताजी को नहीं मिलती है, न खाने का सही से व्यवस्था है, घर भी झोपड़ी पट्टी है कि ना माताजी। और बच्चे कितना है आपके? तीन गो है, तो दो गो नहीं देखता है, एक गो है तो उसको ठेवना में दर्द, हजीरा करता है, ईटा खपटा ढोता है पटना में। अब बताइए, चलिए ठीक है, बच्चे जो भी है जैसे भी है, लेकिन इनको तो कम से कम विपिन देख लेता, एक नजरों से देख लेता। विपिन कभी आपसे मिले कि नहीं? नहीं मिला, नहीं, नहीं। आपका हाल चाल भी नहीं लेने आए? जीतलाथिन तो ये गोर मुर धरे अलथिन फिर ना। अच्छा, वही गोर मुर धरे अलथिन, सलाम राम कलथिन, वही तक उसके बाद नहीं आए ना। अब भैया देख लीजिए, आप कहते हैं ना झूठ बोला, में हमारे गोतनी है, इसका से पूछो ना गाँव में रहता है। अब बताइए, अब माताजी को इधर दिखाइए, माताजी भी सही कह रहे हैं कि एक बार भी मिलने नहीं आया। साल लगता ही ना दीदी, अब साल लगता है, एक सत्र, हाँ हाँ एक सत्र होने वाला है, एक सत्र में एक बार भी नहीं आए ना। हम गलती नहीं बोलते। अच्छा अच्छा, अब बताइए, जो हाल चाल नहीं लेने आ रहा है तो कहाँ से इनका पेंशन बनवाएगा, कहाँ से इनका विधवा पेंशन बनवाएगा? अच्छा, राशन वोशन मिलता है कि ना? राशन दे। अच्छा, कार्ड ओड है कि ना आपका? हाँ, कार्ड। कौन सा कार्ड है, ललका उजर का हरियर का? पियर का रहा है ना। पियर का तो अमीर वालों के लिए होता है ना, पियर के रहे हमारा। अब बताइए, इनको तो निशुल्क वाला कार्ड बनना चाहिए, इनका दोनों पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है, फिर भी क्या बताया जाए। अब इस तरह से आप देख रहे हैं, किसकी किसकी, मुझे भी नहीं पता था, मैं कहा कि चलूँ, हकीकत जो विपिन यादव को लोग कहते थे कि विपिन यादव जैसे ही आएंगे पूरा पंचायत सुधर जाएगा, पंचायत में गरीबी नहीं रहेगी, हर घर में आवास होगा। आवास वास मिला है कि ना आपको? ना, आवास भी नहीं मिला है। शौचालय, शौचालय भी नहीं मिला है ना। अच्छा, अब तैयो। अच्छा, रामो प्रसाद रहन तनिक तनिक गिरा दिलखिन, वैसे ही पड़ल है लोग। अच्छा, मतलब ये मुखिया क्या होता है कि विपिन यादव कुछ नहीं करते। अच्छा, वो मुखिया में विपिन यादव में क्या अंतर है? अब हम ना बता। अच्छा कुछ, अच्छा अच्छा, वो सहारा भी करत, सहारा भी ना करते नहीं कुछ नहीं, सहारो बहुत सहारा उस बेचारा कल के। हाँ, अब बताइए, आपको वृद्धा पेंशन मिलता है कि ना? विधवा? हाँ, विधवा ना, कोई, चलिए कोई एक ही मिलता है पेंशन। हाँ, एक ही मिलना है। आप देख रहे हैं, अब क्या बताए, आप इनको देखकर समझ सकती हैं कि क्या स्थिति है इनकी। ये लोग ग्रामीण वाले हैं, आप देख सकते हैं माता जी का, ये आराम से देखिए माता जी का ये घर है, देख सकते हैं इस तरह से, आप देख सकते हैं इस तरह से है। का विपिन यादव यहाँ के मुखिया हैं जी? अरे कुछ बदलाव हुआ कि नहीं? कुछ बदलाव नहीं हुआ। काहे कि अब भेंट करने आइए, नहीं आया, कुछ बदलाव होगा। अच्छा, जीत के गए तो यहाँ से झांकी में पार्ले नहीं आए। अच्छा, अरे बाप रे बाप, खाली वोट लेने का है बस, वोट लेने लगा है। अच्छा, कुछ बदलाव नहीं किया? आप जवान है, विपिन यादव को जानते होंगे? मत मस्ती जानते हैं, आपको भी जानते हैं? हमको भी जानते हैं। अरे चलिए, हमको भी जानते हैं। अच्छा ये बताइए, विपिन यादव जब से बन गए मुखिया कितना बदलाव हुआ है? जी, मेरे वार्ड में तो कोई बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन मैंने उन्हीं के चैनल के माध्यम से नाला बनते और सारे परियोजना का काम होते देखा है, लेकिन मेरे वार्ड में खास कर किसी भी तरह के परियोजना से संबंधित। अच्छा, सबसे बड़ी देख लीजिए माता जी को, आप देख लीजिए दोनों पैर एक हाथ नहीं है, एक बार उनको मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए, जीत क्या नहीं। अगर बताइए वैसे लोगों का वो सहयोग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? शरम आ रही है, शरम आ रही है। मैं कहना चाहूंगा सर से कि एक बार आकर पंचायत के लोगों का हाल समाचार जाने कि उनकी क्या दुख तकलीफ और क्या इच्छाएं। उम्मीद किस उम्मीद से बनाया गया था मुखिया? किस उम्मीद से बनाया गया था मुखिया? इस उम्मीद से बनाया गया था कि वो लोगों की भलाई करे, लोगों के साथ मिलकर। कितना भलाई कर दिए आप बताइए? उनके दिक्कतों को देखे और उन जो हो सके उनका, जो सरकार की द्वारा योजना है उनका लाभ लोगों को, आम जनता को दिया जाए। आप बताइए, देख रहे हैं ना, उनको देख के आज बड़ा मतलब तरस, मैं समझ जाता था कि मैं हूँ
इस तरह से, लेकिन देखने के बाद मतलब इस तरह से है ना, लेकिन उनको मैं सहयोग भी कुछ करूँगा। और इस तरह से है कि शर्म आ रही है, अब तो जो मीडिया वाले आके हीरो बनाते थे वो आज नहीं आ रहे हैं। मैं तो यही जांच करने के लिए आया हूँ। जी हाँ, तकलीफ तब हुआ कि सभी लोग कहते थे विपिन बड़ा अच्छा करेगा, विपिन क्या केयर कर दिया, आप एक नौजवान हैं, आप तो हकीकत बताएंगे। शुरू में उनका काफी बोलबाला था, आप लोग भी उनके सपोर्ट किए थे, खान सर भी उनका सपोर्ट किए थे, सभी लोग रैली में आए थे। खान सर से भी मैं सवाल करूंगा क्योंकि मैं इस पंचायत का हूं तो मुझे जानकारी है, लेकिन इसके बाद कोई सुध लेने वाला इस पंचायत को नहीं है। खासकर मुखिया जी भी इस पंचायत के जो विपिन सर है, उन्होंने भी इस गांव का सुध तक नहीं लिया और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या समस्या का भी जानकारी उनको नहीं है कि इस गांव में क्या है, लोगों को पीने के लिए पानी की सुविधा है या घर में शौचालय है कि नहीं, गांव के लिए पक्की सड़क है कि नहीं, स्ट्रीट लाइट गांव में लगा है कि नहीं, इस तरह किसी तरह की सुविधा गाँव वालों को नहीं दिया गया, ना ही इनका कोई भी जानकारी लिया गया उनके द्वारा। एक बार भी नहीं पूछने आए? जी, एक बार भी नहीं। अरे बाप रे, इस तरह से आप देख रहे हैं, अब एक गलत नहीं बोलेंगे, इस तरह से चाचा जी हैं, चाचा जी भी के बता रहे हैं कि कुछ तो आए कि नहीं, कहे कि बड़ा बड़ा वादा किए थे मोदी की तरह। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं वादा किए, पूरा किए। एक सत्र होने वाला, कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए। आप देख रहे हैं कितनी समस्या है, बड़ी विडंबना है, शिक्षा में कितना बदलाव हुआ है। चलिए मान गया, लोग कहते हैं कि शिक्षित मुखिया बनेगा तो अच्छा करेगा, शिक्षा में बदलाव जहां तक हो। एक बार वो स्कूल के भ्रमण के लिए आए थे, उनका वीडियो भी है उनके चैनल पर शायद से, तो इसी रास्ते से आए होंगे। वो बगल के पंचायत का रास्ता है, आप देख सकते हैं, उधर आप कैमरा कर सकते हैं, बगल के पंचायत का रास्ता है जो पूर्ण रूप से पक्की बनी हुई है। इसी रास्ते से मुखिया जी विपिन सर आए थे, लेकिन उनके नज़र में अभी तक नहीं है कि ये रास्ता हमारे पंचायत का पक्का है, लेकिन बगल के पंचायत का रास्ता क्या है, पूरी तरह से पक्की है, लेकिन हमारे पंचायत का रास्ता आप देख सकते हैं यहाँ से अभी तक भी कच्ची सड़क है। इससे आप कह सकते हैं कि कोई भी विकास नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं, आप क्या कह सकते हैं, इधर से आप देख सकते हैं कच्ची की कच्ची है और कच्ची ही रहेगी, ये बदलाव नहीं हो सकता है। अगर देखा जाए तो उन्हीं के पंचायत का स्कूल है ना? जी हाँ, उन्हीं के पंचायत का स्कूल है। स्कूल की हालात तो जर्जर है। हाँ, स्कूल की हालात जर्जर है, इसमें सुधार सरकार और मुखिया दोनों के द्वारा किया जाएगा। क्या मुखिया करेंगे, मुखिया तो नहीं लग रहा है कि कुछ कर पाएंगे। अगर मुखिया के पास कोई फंड होगा तो उसका सुधार करेगा, जैसे आप बताइए मुखिया के पास क्या क्या फंड होता है। कई फंड आया हुआ है, दो फंड आ चुका है, दो तीन फंड इस समय उतार चुके हैं, दो तीन फंड उतार चुके हैं। अगर विश्वास नहीं है तो नेट आपके पास है, मोबाइल आपके पास है, सर्च करके एकदम देख सकते हैं कितना फंड उतरा है। मैं झूठ बोलूंगा? नेट नहीं झूठ बोलता है कि बोलेगा, नहीं झूठ बोलेगा, वो बताएगा कितना फंड किसके किस लिए, लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ अभी तक स्कूल में, कोई तरह का विकास कार्य नहीं किया गया मुखिया जी के द्वारा। चलिए भैया, आप देख रहे हैं, आप थोड़ा सा स्कूल